हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो नीट और जेई का जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होंगे या फिर नहीं होंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट का करंट माइंडसेट है वो क्या रहना चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ओके, तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, देन उसके बाद में ही आप अपना रिएक्शन और ओपिनियन शेयर कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास में आपको पता है कि दो पिटीशन जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है, एंड दोनों जो पिटीशन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट पिटीशन के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि कोविड की सिचुएशन अभी तक अंडर कंट्रोल नहीं हुई है, एंड कुछ स्टेट में जो है फ्लूड की कंडीशन है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए स्टूडेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। एंड जो सेकंड जो पिटीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें जो कि नॉन पोस्टपोनमेंट पर डिपेंड कर बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में ही कंडक्ट करवाया जाए क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो इससे ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगे, उनको लॉस होगा, एकेडमिक लॉस होगा, इन फ्यूचर में भी उनको बहुत सारे लॉसेज होंगे, राइट। उसको देखते हुए एग्ज़ाम जो है वो आपके सितंबर में ही कंडक्ट करवाया जाए। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट के पास में है, 14 अगस्त को इसकी फर्स्ट हियरिंग है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग क्या फैसला आने वाला है। फर्स्ट हियरिंग है, उसमें फैसला तो नहीं आएगा, बट हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ किसके तरफ हम ये सोच सकते हैं कि किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आपको बात करूँ तो जो पोस्टपोन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रही है, स्टूडेंट सेफ्टी, स्टूडेंट की हेल्थ जो है आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी एग्जामिनेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बट ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम सेप्टेम्बर में कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, कुछ स्टेट में एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाए गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एग्ज़ाम आपकी सेप्टेम्बर में हो और आपका एग्ज़ाम हो और राइट, तो उस तरीके से हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी उसकी कम है। जिस तरीके से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरीके से इस केस के दो पहलू हैं, तो दोनों की पॉसिबिलिटी 50-50% है। वैसे अगर अपने अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग हम देखें तो पॉसिबिलिटी पोस्टपोन की ज़्यादा है। अब देखो, अगर हम बात करें कि हम थोड़ा सा आइडिया कैसे मिलेगा, 15 अगस्त को आपका जेई का जो है एडमिट कार्ड रिलीज होगा। अगर 15 अगस्त तक आपका जेई का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है 15-16 के आसपास, इसका मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर नहीं होता है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस डायरेक्शन में और ज़्यादा डीपली वर्क करना चाहती है और ज़्यादा इसको स्टडी करना चाहती है, देन उसके बाद में ही वो पोस्टपोन होगा या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके ऊपर रिजल्ट देगी, राइट। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि पोस्टपोन के और ज़्यादा चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होना चाहिए इस पूरी की पूरी सिचुएशन में। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है मेन टारगेट वो होना चाहिए कि सिलेक्शन। आपका ये टारगेट नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एग्ज़ाम सितंबर में होगा, राइट, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब क्या आएगा, वो टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए आपका मेन सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो ये जो टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड वो रहेगा आपके लिए, राइट। तो अब हम क्या करें, इस तरीके से अगर हम देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें, ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको अवॉइड करनी पड़ेगी। किस तरीके से हम अवॉइड करेंगे कि हम जो दिन भर पूरा का पूरा इन अपडेट को देखने में टाइम वेस्ट करते हैं उसको हमें नहीं करना है। हमें एक स्पेसिफिक टाइम देना है क्योंकि ये एग्ज़ाम हमारे से रिलेटेड है, हमें इसके बारे में सारी की सारी अपडेट पता होनी चाहिए, इस एग्ज़ाम को हम देने वाले हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक टाइम देना होगा, 1 घंटा 1.5 घंटा। उसमें हम बस आज पूरे दिन में जितनी भी अपडेट है उसको न्यूज़पेपर से, इंटरनेट से, टेलीविज़न से, न्यूज़ चैनल से, वहाँ से हम उसको देख करके ले सकते हैं कि आज ये अपडेट आई है। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन सारी की सारी वीडियोस को देखते रहें, सारे के सारे अपडेट्स को पढ़ते रहें, उससे ज़्यादा आपका जो माइंडसेट है, माइंड जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, राइट। एंड हमें इस तरीके से स्टडी करनी चाहिए कि आपको ये समझ करके स्टडी करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपका शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में है। आप सारी चीज़ें भूल जाइए कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर आपका एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में होगा, कि कब सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन आएगा, उन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ इन पर फोकस कीजिए कि आपका एग्ज़ाम सितंबर में है और आपकी प्रिपरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप सितंबर के अंदर एग्ज़ाम को दें और आपका सिलेक्शन जल्दी आसानी से हो जाए, ना कि इस तरीके से कि हम पोस्टपोन को वेट करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के का वेट करेंगे। तो आप वेट करोगे तो वेट करते ही रह जाओगे, राइट। हमें सिर्फ ऐसा ही करना है कि हमें ये ध्यान में रख करके स्टडी करनी है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा और इस तरीके से आपका शेड्यूल होना चाहिए, इस तरीके से आपका रिवीजन शेड्यूल होना चाहिए, राइट। अगर पोस्टपोन होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट पोस्टपोन के लिए ऑर्डर देती है, तो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने शेड्यूल को और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ टॉपिक जो हमने छोड़े थे बाद में उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, हमारे जो वीक टॉपिक हैं उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप स्टडी करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, डिप्रेशन को, एंजाइटी को, इन सब चीज़ों को
हैंडल कर सकते हैं और आसानी से अपनी प्रिपरेशन पर फोकस कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा और जो सुप्रीम कोर्ट की जो फर्स्ट हियरिंग आएगी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और जो एडमिट कार्ड की जो अपडेट रहेगी उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपडेट करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट को लेने के लिए जल्दी से जल्दी जैसे वीडियो अपडेट होता है तो उसके लिए आपको प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करना होगा ताकि आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए और आपको जल्दी से जल्दी उस वीडियो को देख सकूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।